हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह दिल की बात। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ पॉटिंग सॉइल। ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट, सैंड एंड लीफ कंपोस्ट। 30% गार्डन सॉइल लिया है मैंने। गार्डन सॉइल मीन्स हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास की जो नॉर्मल सॉइल होती है उससे हम गार्डन सॉइल कहते हैं, और 30% ही कोकोपीट लिया है मैंने। 20% सैंड जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है वही सैंड है ये, और 20% ही लीफ कंपोस्ट। फ्रेंड, जितने भी मैं टिकटॉक में गार्डन रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो वहाँ पे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैम व्हाट इज़ पॉटिंग सॉइल, व्हाट इज़ पॉटिंग मिक्स। तो मैंने सोचा एक डिटेल्स में वीडियो दे दूँ ताकि सब अच्छी तरह समझ ले कि एक्चुअली पॉटिंग मिक्स होता क्या है। हम जब पॉट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा तो खास ध्यान देना पड़ता है। ज़मीन में तो कैसे भी लगा दो पौधे, लेकिन पॉट में ध्यान रखना पड़ता है। वेल ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए, उसके लिए हमें सैंड मिलानी पड़ती है। ये इसमें हम सभी तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं इस तरह की मिट्टी में, लेकिन कैक्टस और सकुलेंट की सॉइल थोड़ी अलग होती है। कैक्टस जैसा कि डिजर्ट का प्लांट है तो उसमें सैंड की मात्रा बढ़ाते हैं। जब मैं कैक्टस लगाऊंगी तो उसकी सॉइल प्रिपरेशन भी आपके संग जरूर शेयर करूंगी। अभी तैयार है, अपने पॉट्स में भर ले टैप कर करके अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब हम पॉट भरते हैं तो 1 या 2 इंच की गैप जरूर रखें वाटरिंग के लिए या फर्टिलाइज़र के लिए, ताकि वाटरिंग के साथ मिट्टी बाहर बह के बर्बाद ना हो। ओके फ्रेंड्स, बाय।